पंजाब असेंबली सदारती इलेक्शन के हवाले से आपको बताएं कि 18 वोट मुस्तरद हो गए हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे यासिन मलिक से। यासिन, कौन कौन से अरकान हैं जिनके वोट मुस्तरद किए गए? ये तो नहीं पता चल सकता, लेकिन ये है कि वोट 18 टोटल अरकान असेंबली ने गलत निशान लगाने की वजह से 18 अरकान असेंबली के वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जब गिनती जारी है और इस वक्त मौलाना फजल रहमान के वोटों की गिनती हो रही है, जबकि इतिहास के वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और उनको टोटल 6 वोट पड़े हैं। यानी यूं ये कह लें कि जब गिनती की जाएगी तो एक वोट सवर होगा मौलाना फजल रहमान का। अब यूं अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान के वोट की गिनती मुकम्मल हो गई है, जिन्हें 141 वोट पड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिन मलिक। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली इलेक्शन जहां पर 18 वोट मुस्तरद हो गए हैं, सदर का इंतखाब होने जा रहा था, पंजाब असेंबली की पोलिंग खत्म हो चुकी थी जिसके बाद वोटों की गिनती जारी थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि 18 वोट हैं जो कि मुस्तरद हो चुके हैं। पंजाब असेंबली जहाँ पर आज इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर 18 वोट मुस्तरद हुए हैं।